ये सीवरेज के कवरेज के लिए हम लोग कार से लगातार पूरे शहर में घूम रहे हैं, ओला गाड़ी से हम देख रहे हैं पूरे शहर में। शहर की जो दुर्दशा है, सीवरेज अकेले से नहीं है, साथ में कुछ और भी काम है और वो सारे काम लंबे समय से चल रहे हैं और लंबे समय तक चलने हैं। उनकी उम्मीद नहीं लगती है कि वो अभी ख़त्म होंगे। अभी हम जिस रोड पर हैं, ये रोड सीधा जाता है चंद्रिका होटल के पास निकलेगा जा करके, वहाँ जूना में कुछ काम चल रहा है, उसको हम कवर करेंगे। इससे पहले हम जो करीब करीब 6 जगहों पर हमने कवरेज किया है, 6 जगहों पर जो है हालात बेहद खराब हैं। और सबसे अफसोसजनक अफसोस इस बात का होता है कि इसकी जो योजना बनाई गई उसमें बहुत ड्रॉबैक्स हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हर कोई इस बात को लेकर के बात कर रहा है कि ये काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ गड्ढे हैं, आप देख लीजिए, मिट्टी पड़ी हुई है, ये नालियां बन रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब कुछ भी कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो पा रहा है। हम एक तरफ बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, अटल सिटी की, और न जाने क्या क्या हम जुमले गढ़ लेते हैं और चल पड़ते हैं उन पर, पूरी सरकार और पूरा प्रशासन महकमा, लेकिन जो धरातल पर जो चीजें आ रही हैं वो बहुत संतोषजनक नहीं है। ये मध्य नगरी से होकर के, मसानगंज से होकर के हम जब पहुंचते हैं जूना की, हम आपको हालात बताएंगे किस तरह के हैं। आप देखते रहिए, आप लगातार पढ़ते रहिए पत्रिका अखबार को, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरा सीवरेज का एक महा कवरेज, एक एक जगह का, एक एक स्पॉट का लाइव आपको दिखाएंगे, वहां के हालात बताएंगे, कितना वक्त लगेगा, कितना गहरा गड्ढा है, कितने दिन और उसमें लग सकते हैं, कब तक पूरा होगा और फायदा आखिरकार क्या होगा, वो कौन इस बात की गारंटी देगा कि उस गड्ढे को दोबारा नहीं खोदना पड़ेगा, ऐसा कोई देखने वाला नहीं है। इसको पूरा पढ़ते रहिए आप अखबार में, पत्रिका अखबार में, साथ में आप इसको और डिटेल जानने के लिए जाइए पत्रिका.com के बिलासपुर पेज पर, और इसी को फेसबुक पेज पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। सारे वीडियोज, सारे ऑडियोज, सारी इमेजेस, एक एक चीज, पूरे 8 सालों का हिसाब किताब।